हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सन कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, पिछले साल जब जियो का फ़ोन लॉन्च किया गया था, जियो फ़ोन, तो उस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर जियो मीडिया केबल के बारे में बताया गया था कि आप जियो फ़ोन को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो इस जियो मीडिया केबल के द्वारा किसी भी टीवी से। तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें भी जियो फ़ोन के साथ में मिलेगा जियो मीडिया केबल। लेकिन तकरीबन एक साल हो चुका है, लेकिन जियो का मीडिया केबल कहाँ है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आखिर जियो की तरफ से जियो मीडिया केबल अभी तक क्यों लॉन्च नहीं किया गया है। सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस समय जो है जियो मीडिया केबल का इंतजार कर रहे थे, करीबन एक साल हो चुका है। तो इस बार रिलायंस जियो का एजीएम मीटिंग फिर से हुआ, जियो फोन 2 भी लॉन्च कर दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जियो मीडिया केबल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि ये कब अवेलेबल होगा या ये लॉन्च भी होगा या नहीं होगा। साथ में यहाँ पर आपको जो है जियो गीगा टीवी भी लॉन्च कर दिया गया है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि शायद आपको जियो मीडिया केबल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जियो फाइबर नेट यानी कि जो जियो गीगा फाइबर है वो लॉन्च किया गया है, साथ में उसके जियो गीगा टीवी लॉन्च किया है। तो जियो गीगा टीवी उसका काम ही क्या है, उसका काम ही यही है जो जियो मीडिया केबल का काम था, यानी कि जो फीचर्स आपको जियो मीडिया केबल के द्वारा जियो टीवी जो अपने फ़ोन के जरिए आप देख सकते थे किसी भी अपने पुराने डब्बे वाले टीवी में या कोई भी आपका सीआरटी टीवी जो पुराना था या एलईडी टीवी किसी भी टीवी में आप जो है वहाँ पर जो है लाइव टीवी देख सकते थे जियो फ़ोन की सहायता से। तो अब जो जियो गीगा फाइबर आया सेम यही फीचर उसमें आपको मिलने वाला है, यानी कि जो जियो टीवी वाली सर्विसेज है अब जियो देगा जियो गीगा फाइबर के थ्रू। यानी कि अगर जियो अभी लेकर आ जाता है जियो मीडिया केबल तो उनका जो जियो गीगा फाइबर है उसे कौन खरीदेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है इस जियो मीडिया केबल से काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और यहाँ पर जो आपको पर मंथ चार्जेस देने पड़ेंगे वो भी आपको जो है कुछ ना कुछ तो देने ही पड़ेंगे, जबकि जियो मीडिया केबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता था, डायरेक्ट आपको अपना जियो फोन उस जियो मीडिया केबल के द्वारा अपने टीवी से कनेक्ट करना पड़ता था और जितना भी आपका डेटा हो उतना आप टीवी देख सकते थे। तो आप जितना भी यहाँ पर 3 GB, 4 GB या 5 GB वाला प्लान लेते थे तो यहाँ पर जियो फोन के जरिए आप काफ़ी ज़्यादा जो है टीवी देख सकते हैं। लेकिन अगर जियो ये ऐसा कर देगा तो फिर उनका जो जियो फाइबर नेट और जियो गीगा टीवी है उसको कौन खरीदेगा। तो वहाँ पर आपको जियो गीगा फाइबर के लिए अलग से पे करना पड़ेगा और जियो गीगा टीवी के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पर रिलायंस जियो को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जबकि अगर जियो मीडिया केबल आता है तो रिलायंस जियो को इतना प्रॉफिट जो है जियो मीडिया केबल से भी नहीं होगा और उनकी जो जियो गीगा फाइबर वाली सर्विसेज है, जियो गीगा टीवी वाली सर्विसेज है, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट होगी, क्योंकि काफ़ी कम लोग फिर उन्हें परचेज करेंगे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो शायद जियो मीडिया केबल अभी आप लोगों को काफ़ी टाइम तक नहीं मिलने वाला है और शायद ऐसा भी किया जा सकता है कि रिलायंस जियो जियो मीडिया केबल कभी भी ना लेकर आए। तो दोस्तों, इस बारे में आपका नीचे जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और जियो को भी पता चल सके कि जियो मीडिया केबल का काफ़ी ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन जियो मीडिया केबल है कहाँ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।